eternity before the mountains or the earth had before. You were our everlasting Lord. You've been our hope. You've been our shelter, safe for young and मरकुस 11:20। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने कहा, हे रब्बी, देखिए अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। और यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करें वरन प्रतीति करें कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा जो उसने कहा है। उसने यहां पर चेलों के सामने प्रकट करके दिखाया। उसने एक पेड़ से कहा आपसे कोई भी तेरे फल को नहीं खाएगा, और चेलों ने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। और फिर अगले दिन 24 घंटे के बाद में उन्होंने दृश्य चिन्ह देखे कि पेड़ सूख गया है, जड़ से सूख गया। तो पतरस ने कहा, प्रभु, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था वो सूख गया। और यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, परमेश्वर में विश्वास रखो। अब कुछ अनुवाद में देखिए, जैसे यहाँ मेरे पास में है, यहाँ पर मार्जिन में छोटा सा नोट्स है और आप हर जगह इसे जरूर पाएंगे। कुछ और दूसरे अनुवाद यहाँ पर परमेश्वर में विश्वास रखो के बजाय, परमेश्वर में विश्वास रखो इसके बजाय कुछ सलाह देते हैं। ये तो होना चाहिए कि परमेश्वर के जैसे विश्वास रखो या परमेश्वर का विश्वास रखो, कुछ लोग कहते हैं। यही से हमने अपना शीर्षक लिया है, परमेश्वर के जैसे विश्वास, क्योंकि यही तो विश्वास, असली विश्वास है। जो पतरस के पास था वो असली विश्वास नहीं, क्योंकि उसने देखने पर विश्वास किया। जो यीशु के पास था वो असली विश्वास था, क्योंकि उसने उसे कहा और फिर जो कुछ भी कहा उस पर विश्वास किया कि हो जाएगा। यानी हम यहाँ परमेश्वर के जैसे विश्वास के बारे में यहाँ पर इन गुणों को देख रहे हैं, और इनमें से कुछ तो उत्साहित करने वाले सत्य हैं। हम एक एक करके से देख रहे हैं, और हम यहाँ पर काफी समय से बने हैं। हम यहाँ एक बात पर बने हैं कि अपने दिल से विश्वास करें। हम संदेह और अविश्वास को देख रहे हैं, और कैसे हमारा दिल तो विश्वास का दिल होना चाहिए।
यीशु के बारे में यह हमारा जो एक वाक्य है, यह हमारे विश्वास के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये मेरे लिए अद्भुत है, आप सुनकर चौंक जाएंगे। जानते हैं, अगले हफ्ते हम एक और दृष्टिकोण देखेंगे। ये यहां पर है, जब यीशु ने कहा, उसने कहा परमेश्वर के जिसे विश्वास रखो, फिर उसने कहा जो कोई भी कहेगा। इसका मतलब ये विश्वास केवल परमेश्वर के लिए ही काम नहीं करता, ये आपके लिए काम करता है, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। तो आपको इसी विश्वास में काम करना है। तो कहता है जो कोई भी इस पहाड़ से कहेगा, यहाँ पर जो कोई भी, ये शब्द महत्वपूर्ण है। जो कोई भी मतलब ये किसी के लिए भी काम करेगा। उसने ये नहीं कहा कि इसकी कोशिश मत करना क्योंकि मेरे जैसे माहिर लोग ही करते हैं। उसने कहा तुम सब लोग कोशिश करो क्योंकि ये किसी के लिए भी काम करता है। जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, लेकिन विश्वास करे कि जो कुछ भी वो कहता है वो पूरा हो जाएगा। तो वो जो कुछ कहता है वो हो जाएगा। दिल में संदेह न करे लेकिन विश्वास करे। अपने दिल में संदेह न करे पर विश्वास करे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, यही तो वो एक बात है जो आपको रोक सकती है कि जिसके लिए विश्वास करे वो नहीं पाए। उसने कहा तुम कहो और जो कहा वो मिलेगा, लेकिन बस एक ही चीज है जो रोक सकती है कि जो कहा वो तुम नहीं पाओ, वो तो बस तुम्हारा संदेह है। ये आपके अंदर का विश्वास है। आपने विश्वास नहीं किया लेकिन संदेह किया। तो वो कहता है विश्वास करो और संदेह न करो, विश्वास करो तो जो कुछ भी कहा वो मिल जाएगा। तो शुरू में यीशु इसे बहुत स्पष्ट करता है कि तुम्हें अपनी समस्याओं के लिए कुछ करना है, समस्याओं के लिए कुछ न कुछ करना है, तो इसे करो। तो क्या करते हैं? अपनी समस्याओं के बारे में न कहें, क्योंकि बहुत से विश्वासी यही करते हैं, वो अपनी समस्याओं के बारे में सभी को बताते हैं। जानते हैं, या सबसे ज्यादा वो अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी समस्याओं को प्रभु को बताते हैं। और मैं आपको ये जानकारी दूं, प्रभु उसे पहले से ही जानता है। वो नहीं देखते हैं कि प्रभु ने उस समस्या के लिए क्या करने के लिए कहा है, तो वो समस्या के बारे में कहते हैं, शिकायत करते, कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते उस समस्या के बारे में, समस्या के बारे में परेशान होते हैं। जितनी बातें कर इसके बारे में और ज्यादा परेशान होते जाते हैं। लेकिन बाइबल तो बहुत ही सटीक है, निश्चित है कि हम अपनी समस्याओं के बारे में क्या करते हैं। यीशु ने कहा ये पहाड़ के जैसे जो बीच में खड़े रहता, आगे जाने नहीं देता है। पहाड़ के बारे में सोचिए, आपकी समस्या तो यही है। आप इस पहाड़ से कह, देखिए यहां पर कहने की जो बात होती है बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहने में कौन सी बात जुड़ी है और कहने का महत्व क्या है? कहना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये ऐसी बात है जिसे हमें सच में देखना होगा। जानते हैं, लेकिन बात यह कहना होगा, आपको सीधा अपनी समस्या से कहना होगा। आप अपनी समस्या से ऐसे व्यवहार करते हैं, आप अपनी समस्याओं से कहते हैं। अपनी समस्या के बारे में रोते न रहें, समस्या के बारे में कुड़कुड़ाते न रहें, समस्या के बारे में शिकायत न करें, अपनी समस्या से कहते जाएं। मैं चुनौती दूं, बहुत से विश्वासी अपनी समस्याओं से कुछ भी नहीं कहते हैं। उसके बारे में बहुत से लोगों को उन्होंने बताया है, परमेश्वर से इसके बारे में कहा है, लेकिन उन्होंने उस समस्या से सीधा बातें नहीं की है। आप अपनी समस्या से क्या कहते हैं? आप समस्या से वही कहते हैं जो आप चाहते हैं कि वो समस्या के साथ हो। वो कहां जाए चाहते हैं, उस समस्या का क्या होना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो क्या हो जाए, आप उससे कैसे व्यवहार चाहते हैं। आप उसे समुन्द्र में फेंक देना चाहते हैं कि आप उसे फिर न देख सके, कल उस समस्या को न देख पाए। वो तो आप नहीं जानेंगे कि वो वहां पर थी, क्योंकि वो समुन्द्र में डूब चुकी है, वो चली गई, वो आपके सामने से चली गई, और कोई भी नहीं जानेगा कि आपके जीवन में इस तरह की कोई बड़ी समस्या थी। मैंने बहुत से पहाड़ पार किए हैं, और जब मैं मुड़कर देखता हूं कि वो पहाड़ कहां है, तो मुझे पता नहीं वो कहां चले गए। जानते हैं, लेकिन जानता हूं कि वो तो वहां पर समुन्द्र के तह में हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि चले जाए और वहां से हट जाए। आज यदि मैं देखूं, मैं नहीं जानता, मैं उसके कोई निशान भी नहीं देख पाता हूं, वो मेरी नजर से पूरी तरह चले गए हैं, और इसलिए मैंने कहा कि वो समुन्द्र में फेंके गए हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण है, आपको कहना ही होगा, लेकिन उससे कहना ये काफी नहीं है। बोलने के बाद में आप क्या करते हैं, कहने के बाद में परिणाम पाने के बीच में, यहाँ ये बीच का समय होता है। इस समय में आप क्या करते हैं, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर हम चूक जाते हैं। इस समय में हमें विश्वास में बने रहना है, हमें तो डगमगाना नहीं है, कांपना नहीं है। संदेह तो इसी के बारे में है। रोमियो 4 में से डगमगाना कहा गया है, याकूब 1 में से डगमगाना कहा गया है। ये अलग शब्द है, लेकिन ये केवल संदेह है। एक ही बात है, संदेह। संदेह न करें, डगमगाए नहीं, हिले नहीं, बस विश्वास रखें। और अगर आप विश्वास रखें तो आप अंत तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए बात तो यह है, विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है।
क्या आपने भयानक खबर सुनी है? क्या आपने कभी देखा जिन्होंने भयानक खबर सुनी और चौंक गए? आप देखते हैं पसीने से भीगते हैं, पसीना पसीना, ठीक है, धड़कन बढ़ती है, दिल तेज धड़कता है, आप सच में उसे सुन सकते हैं। अपना हाथ रखने पर आप दिल की धड़कनों को वहां पर सुन सकते हैं। आपने वहां पर जो बुरी खबर सुनी है उसके लिए तुरंत शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। जब लोग डर जाते हैं, बता सकते हैं, तुरंत शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। देखिए, आपने जो सुना है वह आप पर प्रभाव डालता है। बहुत से लोग विश्वास नहीं करते, विश्वास सुनने से और प्रभु वचन सुनने से आता है, वो इस बात को नहीं समझते हैं। तो मैं फिर इसे उल्टी तरह से समझाता हूं, मैं बताता हूं कैसे डर आता है, क्योंकि डर और विश्वास तो एक ही बात है। विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब जो प्रभु ने कहा है वो होगा, आप विश्वास करते कि होगा। डर क्या है? जिससे आप डरते हैं वो हो जाएगा, आप विश्वास करते कि हो जाएगा और निश्चय ही वो हो जाएगा। विश्वास और डर का उल्टा है, ये नई बात नहीं है, वही है, लेकिन उल्टे में, उल्टी दिशा में बिल्कुल वही है। यदि डर समझे तो विश्वास को भी आप समझ पाएंगे। तो फिर डर कैसे आता है? आपने अभी बुरी खबर सुनी है, आपने चौंकाने वाली खबर सुनी है, तो तुरंत आपको पसीना आता है, आपके दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, तुरंत ही आप ये महसूस करते हैं कि आप बैठ जाएं या फिर लेट जाएं। जानते हैं कुछ लोगों की शारीरिक प्रतिक्रिया बहुत गंभीर होती है जब वो बुरी खबर सुनते हैं। सुनने से उन पर इतना शारीरिक प्रभाव होता है, बुरी खबर सुनने से आपके ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है और उसके कारण शारीरिक रूप में स्तर से प्रतिक्रिया करते हैं और आपके शरीर में शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। तो मैं आपसे कहूं, परमेश्वर का वचन सुनना और प्रभु की प्रतिज्ञाएं सुनना तो अच्छी चीजें बिल्कुल वैसी ही काम करेगी जैसे कि वहां पर शारीरिक प्रतिक्रिया है। ये आपकी आत्मा में से करेगी, ये आपके विश्वास को बढ़ाएगी कि वह आपके दिल में बढ़ते जाए। बस यही बात है कि आप नहीं देखते कि विश्वास बढ़ रहा है, आपके दिल में क्या हो रहा है नहीं देखते हैं, इसलिए लोग इसे नहीं समझते। वो इसे नहीं समझते कि विश्वास कैसे सुनने से और प्रभु वचन सुनने से आता है। जैसे आपके शरीर के साथ में कुछ शारीरिक होता है, जब आप कुछ बुरा सुनते हैं, जब आप कुछ सकारात्मक और अच्छा सुनते हैं और जब आप वचन सुनते हैं तो इसके प्राण के लिए भोजन है, इसके अंदर आपके लिए भोजन है। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। यहाँ पर शारीरिक बल आता है और वह आपको भीतर में शक्ति देता है और आप जल्दी पाएंगे कि ये सत्य है। और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप क्या देखते हैं और आप क्या सुनते हैं। आप इसे ऐसी नहीं छोड़ सकते हैं जैसे कि जानते हैं कि जैसे इसका कोई परिणाम नहीं होने वाला है। आप नहीं कह सकते इससे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं मजे के लिए देख रहा हूं और इसका मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। हाँ, इसका प्रभाव होगा ही, सकारात्मक या नकारात्मक रूप में प्रभाव डालेगा। आप जो भी सुनते हैं ये महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसे बनाया है कि देखे और सुने, और सब दिल में ऐसे ही तो जाता है और इस तरह से, और परमेश्वर ने हमें ऐसे ही बनाया है। तो आप तो ऐसे बैठ कर देख रहे हो हर रात हत्या की फिल्म में और फिर विश्वास में बढ़ते जाएं। आप हमेशा हॉरर फिल्में देखते हुए हमेशा विश्वास में बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये काम नहीं करता, क्योंकि आप कुछ भीतर ले रहे हैं, आप अपने अंदर कुछ रख रहे हैं और ये एक अलग तरह का परिणाम लेकर आएगा। लेकिन यदि आप हमेशा प्रभु का वचन लेते हैं तो ये बिल्कुल अलग तरह का परिणाम लाएगा, निश्चय ही और पक्के रूप में ये अलग तरह का परिणाम लाएगा। और इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा, ये किताब ये तेरे मुंह से अलग न होने पाए। ये किताब, क्या आपके पास किताब है? कुछ लोग इस किताब को भूल जाते हैं। ये किताब ये आपके मुंह से हटने न पाए, आपके मुंह में ये किताब होनी चाहिए, ये आपके मुंह में हो। लोग इसे यहां पर बगल में रखते हैं, नहीं, ये आपके मुंह में होनी चाहिए। लोग इसे अपने बैग में रखते हैं, नहीं, ये आपके मुंह में होनी चाहिए। लोग इसे टेबल पर रखते हैं, नहीं, ये मुंह में होनी चाहिए। लोग इसे शेल्फ में रखते हैं, नहीं, ये होनी चाहिए मुंह में, ये डेकोरेटिव आइटम नहीं है। मेरे वचन, जो वचन मैं कहता हूं, ये तो जीवन है और ये आत्मा है, यीशु ने कहा। ये कोई मरी हुई किताब नहीं है जो आप शेल्फ में रख दे, ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो आपके मुंह में जाए, आपके दिल में जाए, तब ये काम करेगा। देखिए, वही होना चाहिए, ये तुम्हारे मुंह से कभी दूर ना हो। इसी पर दिन रात ध्यान किए करना और जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार तू करते जाना।
और तब तेरी सारी मार्ग सफल होगी और तब फिर तू अच्छी सफलता पाएगा। क्या आप सफलता या संपन्नता पाएंगे ये तो इस पर आधारित है कि क्या आप अपने मार्ग को सफल बनाएंगे। परमेश्वर इसे संपन्न नहीं बनाएगा क्योंकि उसने ये आपके हाथों में सौंप दिया है। वो अपेक्षा करता है कि आप अपने जीवन को ले और उसे पूरी तरह फेर दे। वो अपेक्षा करता है कि आप अपना जीवन ले और अपनी समस्याओं से कहें। वो अपेक्षा करता है कि आप उठे और अपने विश्वास में काम करें। वो अपेक्षा करता है कि आप उस सामर्थ का उपयोग करें जो आपके जीभ में है, कि पहाड़ों जैसे समस्याओं से आप ये कहें कि चले जाए और आपके जीवन से वो गायब हो जाए। वो अपेक्षा करता है कि आप विश्वास से खड़े रहें और आप विजय को ले लें और आपके जीवन को आप बदल दे। मेरे दोस्तों, वो अपेक्षा करता है कि आप ऐसे करें, बैठकर ये न कहें मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ब्रदर। प्रभु ऐसे काम नहीं करता है। प्रभु कहता है तुम इसे ले लो, तुम इसे फेर दो। मैं तुम्हारा आदर करता हूं क्योंकि तुम मेरे जैसे हो। मैं तुम्हारा लाड़ दुलार नहीं करूंगा। तुम मनुष्य हो जाओ, तुम वो स्त्री हो जाओ जो उसके स्वरूप समानता में बनाए हैं। तुम इसे लो और इसे बदल दो। हेलो, अब जानते हैं हम किसका लाड़ दुलार क्यों नहीं करते। वैसे व्यवहार करते जैसे परमेश्वर व्यवहार करता है। हम तो बस आपको काम करने देते हैं। बहुत से चर्च में पास्टर काम करते रहते हैं। नहीं, यहां पास्टर केवल प्रचार करते हैं। आप काम करते हैं। अगर जीवन बदलना है तो आप खुद बदल दीजिए। स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। मैं कैसे आपकी जीप को लेकर उसे मोड़ सकता हूं। वो स्टीयरिंग व्हील है। आप इसे ले, उसे बदल दे। ये आपके हाथों में है। आप इसे कीजिए। आमेन। तो आप कर सकते हैं। सब लोग कहें मैं कर सकता हूं। आपके पास विश्वास है। परमेश्वर ने आपको विश्वास का व्यक्ति बनाया कि आप विश्वास के द्वारा काम करें, कि विश्वास से जिए। प्रभु ने आपको ऐसे बनाया, आप ये कर सकते हैं। पर बात तो यह, केवल संदेह हमें रोकता है। संदेह क्या है? संदेह और डबल तो एक ही है। इसके पहले चार अक्षर तो एक ही है। डाउट और डबल एक जैसे हैं। ये दिखाते हैं कि डाउट और कुछ नहीं, केवल डबल है। ये तो दुचित्ता होना है। हर चीज के लिए दो मन रखना है। हाँ, एलिया कर्मेल पर्वत पर खड़ा हुआ, आपको याद है, इजरायली लोग पीछे चले गए थे और बाल की उपासना करने लगे थे। बाल के उपासक बन गए थे। एलिया ने कर्मेल पर्वत पर उन्हें इकट्ठा किया और उसने कहा, कब तक तुम इन दो दृष्टिकोणों के बीच में रहोगे? हाँ, एक ही जगह पर हो। तुम तो अपने आप को आगे नहीं जाने दे रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास दो मन हैं। तुम दुचित्ते हो। देखिए, संदेह तो इसी के बारे में है। फिर उसने आकाश से आग बरसाई। आपको याद है, उसने उनसे कहा, इस वेदी के ऊपर तुम बलिदान बनाओ और आसपास में गड्ढे खोदो, और कहा कि पानी ऊंडे लो, और निश्चित किया कि वहां काफी पानी हो ताकि कोई ये न कहे कि बस ऐसी आग लग गई थी। जैसे उसने कहा पानी डालो, फिर दूसरी बार कहा पानी डालो, तीसरी बार कहा पानी डालो, और फिर उसने आग को बुलाया और आग वहां पर आई और सब कुछ भस्म किया। और तब लोगों ने कहा, देखिए अब ध्यान दे पा रहे हैं, अब तक वो तो दुचित्ते थे लेकिन अब एक चित्त के हो गए हैं। प्रभु हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है। वो पहले कैसे थे? दो काम कर रहे थे। शायद बाल परमेश्वर होगा या परमेश्वर प्रभु होगा। कई बार सोचते बाल प्रभु होगा तो कई बार सोचते अब्राहम का प्रभु ही प्रभु होगा। लेकिन अब वो एक मन के हो गए, एक चित्त के हो गए। एक बात पर गौर कर रहे थे, कह रहे थे हमारा परमेश्वर प्रभु है। देखिए विश्वास तो बस यही है और संदेह भी बस यही है। संदेह यानी दुचित्ता होना, विश्वास यानी एक दृष्टि रखना और एक चित्त के होना है। वो डगमगाना और लड़खड़ाना रोक देना और सारी बातों के निष्कर्ष में आना और एक ही बात को थामे रहना। याद है यीशु ने मार्था से कहा, मार्था मार्था। हाँ, याद है मार्था, अच्छी मार्था। ऐसी बहुत सी मार्था हैं, शायद यहां पर भी हो। मार्था मार्था, तूने बहुत सी बातों को अपने मन में ले लिया, इसीलिए तू इतनी चिंता करती है। यही तो समस्या है। और एक बात का निष्कर्ष नहीं निकाल सकती हो। प्रभु ने एक कहा कि एक बात तो बाकी सब का इनकार कर दे। यदि प्रभु कुछ कहता है, यदि प्रभु कहता है कि मैं प्रयोजन करूंगा, सारी जरूरत पूरी करूंगा अपने महिमा में धन के अनुसार, मसीह यीशु में तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा, मसीह यीशु में पूरा करूंगा, यदि प्रभु ने ये कहा है और सब बुरा दिखता है और सब कुछ बिल्कुल विपरीत दिखता है, तो बाकी चीजों की ओर ध्यान न दे क्योंकि परमेश्वर ने कहा है और ये फाइनल है। उससे ही अंतिम बनाए। देखिए, उसके बाद अगर आप किसी बात पर गौर करते हैं तो फिर वही तो है डगमगाना और वही तो है डामाडोल हो जाना और वो
संदेह है, यही तो दो चित्ता होना है। शायद प्रभु जरूरत पूरी करे या शायद प्रभु नहीं कर पाए। कल ऐसे लग रहा था मैं ऐसे कर पाऊंगा, लेकिन आज ऐसे नहीं लगता है। देखिए, यही तो डगमगाना है। बहुत से लोग ऐसे ही हैं। और मैंने देखा, एक बहन ऑर्डर कर रही थी रेस्टोरेंट में, हमने सब निर्णय ले लिया था कि क्या चाहिए, और इस बहन ने बहुत से पन्ने का वो मेन्यू देखा और वो उसके लिए समस्या हो गई। आखिर में इतनी परेशान हो गई कि उसने मेनू फेंक दिया और कहा, मैं निर्णय नहीं ले सकती हूँ, परेशान हूँ, मुझे पता नहीं कि क्या चाहिए। एक पल लगता है कि मुझे ये चाहिए, अगले पल लगता है कि वो चाहिए। एक पल लगता है कि मैं चिकन खाऊंगी, अगले पल लगता है कि मटन चाहिए। निर्णय नहीं ले सकती। आप निर्णय ले, मेरे लिए कोई और निर्णय ले, मैं वही खाऊंगी, मैं अभी गड़बड़ी में हूं। क्या आपने ऐसे देखा किसी को? अगर पत्नी अपने घर में प्रतिदिन ऐसे हो तो फिर क्या होगा? और अगर पति ऐसे हो, निर्णय नहीं ले सकते, एक बात पर गौर नहीं करते और हजारों चीज को देखते हैं, पता नहीं क्या करें। हाँ, ऐसे बच्चे कैसे होंगे जो निर्णय नहीं ले सकते और वो बहुत हर बात के बारे में दुचित्त हैं, कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। देखिए, संदेह इसी के बारे में है। संदेह आपको रोकता है, संदेह आपको वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। संदेह तो इसी के बारे में है। ये तो बहुत गड़बड़ी में आना है, बहुत सी बातों के बारे में, और अच्छे से नहीं देख पाते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है और जो प्रभु ने कहा है उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं, देखिए भाई, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरा गुस्सा और मेरा स्वभाव तो बस ऐसा ही है कि मैं तो उलझा हुआ व्यक्ति हूं, मैं तो बहुत ही बेचीदा व्यक्ति हूं। मैंने कहा, आप गड़बड़ी में पड़े व्यक्ति हैं, ये बस यही है। आप नहीं जानते कि क्या सोचे। आप ऐसे उलझे हुए व्यक्ति नहीं है, आप ऐसे व्यक्ति नहीं जो कि लाखों में बस एक बने हुए हो। नहीं, आप गड़बड़ी में पड़े व्यक्ति है, क्योंकि आप नहीं देखते कि प्रभु ने क्या कहा और आप जो प्रभु ने कहा उस पर गौर नहीं करते हैं। आप सारी बातें सोचते हैं, सारी बातों की ओर ध्यान देते हैं, सारी बातों का बोझ उठाते हैं। आप प्रभु के वचन पर इस तरह से गौर नहीं करते कि वो अंतिम अधिकारी है। देखिए, यही समस्या है। देखिए, पतरस के साथ यही हुआ जब वो पानी पर चला। हाँ, उसने इस बात को जल्दी सीखा कि किसी बात की ओर गौर नहीं करना चाहिए जब तूफान के बीच में होते हैं। जिस पल वो उसके बारे में सोचने लगा तो वो डूबने लगा। अगर किसी बात की चिंता करते हैं, अनिश्चित हैं, तो विश्वास में नहीं है, संदेह में है। अब्राहम का शरीर उससे बात कर रहा था प्रतिदिन, लेकिन अब्राहम में एक विशेषता थी, उसने सीख लिया। कुछ समय के साथ ही उसने निर्णय लिया कि चाहे मेरा शरीर जो भी कहे, मैं उसकी ओर गौर नहीं करूंगा। उसने उस शरीर की ओर ध्यान नहीं दिया जो अब मरा सा था, और सारा का गर्भ जो कि पहले से ही मर चुका था, उसने गौर नहीं किया। ये कहता, उसने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने निर्णय लिया कि वो गौर नहीं करेगा। शरीर हर रोज बात कर रहा था। शरीर ने कहा, देखो सारी झुर्रियों को, देखो देखो कैसे लटक गए हो, देखो ये दिखा रहा है, 99 साल के हो गए, बूढ़े हो गए, दिखा रहा है। अवश्य 99 कुछ दिखाएगा। शरीर उससे बात कर रहा था, लेकिन वो शरीर से कह रहा था कि मैं इस पर गौर नहीं करूंगा। जानते हैं, आपकी समस्या आपसे बात करती है। क्या आप जानते हैं, हर समस्या बात करती है। जब यीशु ने इस पेड़ से कहा, तो ये कहता है कि उसने उसे उत्तर देते हुए कहा, मैंने आपको पहले बताया है, उसने उसे जवाब दिया। क्या उस पेड़ ने उसे कुछ कहा था? हाँ, उसके पास कहने के लिए मुंह नहीं था, लेकिन उसने कहा कि आगे बढ़ जाओ, यह तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। यही तो कह रहा है, मतलब यीशु ने उस पेड़ से कहा। हाँ, उसने जवाब दिया कि अब से कोई मनुष्य तेरा फल न खाए। यह उस चीज का जवाब था जो कि उस पेड़ ने कहा था। जानते हैं, बहुत सी चीजें आपसे बातें करती हैं, वो बिल्स जो आपको मेल में मिलते हैं वो बातें करते हैं, और बिल तुरंत कहता है, हाँ तुमने सही कहा, इस बार तुम चुका नहीं पाओगे, तुम खत्म हो गए, यही है, इससे तुम देखो, यही तो तुम्हें खत्म कर देगा, बस यही है, लेकिन मैंने हर एक बिल चुकाया है। आमेन। किसी बिल ने मुझे नहीं डुबाया, क्योंकि प्रभु मेरे प्रयोजन का स्रोत है और प्रभु आपके प्रयोजन का स्रोत है। Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
we sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is surprising, I can feel it rising. All the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, all your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing it again, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, city and changing. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery. You gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.